मैं भी सो जाता हूँ क्योंकि कल सुबह ऑफिस 2 बजे ट्रैक चालू करने गए। ये सब कल का बंदा डेली हगने जाता है, स्टॉप हगने जाता है। 2 सेकंड के लिए बचाने तो आज मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी में होती थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ राइड पे आया था तभी मैं यही रूट से आया था, ये फर्स्ट टाइम मैं आया था तभी। अचानक से डालने का कोई गरज था क्या? सिग्नल देने के लिए होता नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड जैसे मैंने आपको रात को बताया था, हम लोग यहीं पे रुक गए थे। तो आप रूम के सामने वाला व्यू आप देख सकते हो, कितना प्यारा लग रहा है। मन कर रहा है यहाँ पे ड्रोन शॉट ले लो। तो चलो फिलहाल अभी कॉफ़ी मंगाया, कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, निकलते हैं। 7:30 बज चुके हैं, जबकि निकलने का प्लान 7 या 6:30 बजे का था, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग थक गए थे क्योंकि हेक्टिक राइड हो गया था कल का ड्यू टू ट्रैफिक एंड रेन। तो अभी फिलहाल रेडी होते हैं, थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेते हैं एंड फिर राइड के लिए कंटिन्यू करते हैं। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओए। तो अभी हम लोग का सब पैकिंग हो चुका है एंड टाइमिंग हो गया 8। तो आज का राइड एक शॉर्ट राइड रहने वाला है 167 किलोमीटर्स का। रीज़न ये है कि जैसे मैं आपको बताया था कि आज के दिन हम लोग रेस्ट लेने वाले हैं, रेस्ट लेके फिर कल हम लोग ट्रैक चालू करेंगे। तो रुको एक मिनट, चाय भी डाल देता हूँ। तो राइड पे अभी चालू, राइड स्टार्ट हो चुका है। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। एंड आपको एक चीज़ वापस बताना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आओगे तो रूम्स का जो भी रहेगा ना, प्लीज़ एक बार कंफर्म करके, चाहिए तो वीडियो निकाल लेना, लेकिन कंफर्म उनको पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे भी जो हम लोग के साथ यमुनोत्री में सीन हुआ था रूम का, वो सेम यहीं पे भी हो गया। सो रात को उन्होंने 1800 रुपये 2 रूम का बोला था एंड सुबह उठने के बाद बोलते कि नहीं सर, आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। तो वो एक सीन हो गया था। तो बोलता क्या, मैंने ऐसा बोला ही नहीं था। अभी लोकल से हम लोग क्या ही बेस करेंगे, तो 200 रुपये के लिए हमने कुछ बोला नहीं। एंड उन लोगों को रात को पूछा था कि गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ। एंड सुबह नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद बोलते सर गर्म पानी का पर बाल्टी का 20 रुपये। तो जो भी रहेगा आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना उनसे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। केदारनाथ 210 किलोमीटर एंड आप रास्ता देख सकते हो सीनरी साथ में। एंड ये सीनरी मतलब नज़ारे के साथ जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ राइड करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। क्या हो गया? हेडलाइट। थैंक यू। तो ये जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ राइड करने के लिए एक अलग ही मज़ा आ रहा है। आपको भी एक सजेशन देता हूँ, जब भी टाइम मिले निकल जाओ यार घूमने के लिए। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, अभी क्या हो जाए। तो हर एक मोमेंट, हर एक जो टाइम, एवरी सेकेंड एंजॉय करके जियो। तो हम लोग अभी बैग का जो सिलाई है वो करने के लिए रुके हुए थे। हुआ क्या आकाश? नहीं अभी तक नहीं हुआ, बस कर रहे हैं। एंड लकीली हम लोग को शूज़ का, मेरे को सोल भी मिल गया बहुत ढूंढने के बाद। एंड रेनकोट भी लेने का था, रेनकोट हम लोग लाए थे, वो फट गया था। संभाल के ये इधर 3-4 बार गिरा है, ये तीसरे बार है शायद से। वो रेनकोट वाला पहन था ना। तो बारिश की वजह से हम लोग को रेनकोट लेना पड़ रहा है, क्योंकि कल हम लोग को कहाँ पे, गंगोत्री में ना, गंगोत्री में बारिश मिला था, एकदम बारीक ड्रिजल हो रहा था, लेकिन उसमें पूरा भीग गए थे हम लोग। तो लकीली बैग का कवर है, हम लोग का कवर नहीं था, वो हम लोग को अभी यहाँ पे मिल चुका है। तो फटाफट लेते हैं, आगे पेट्रोल भराते हैं, राइड को कंटिन्यू करते हैं। ये कब काम चालू किया रे सर्विंग का? तो अभी हम लोग इधर नाश्ता करने के लिए रुके, लेकिन आप देख सकते हो कैसा, जैसे कंपनी दे रही है, जैसे शादी में बैठे वैसे। नहीं, क्या ये
मसाला पाव, मसाला पाव, भुर्जी पाव, भुर्जी पाव। केदारनाथ 168 किलोमीटर एंड शायद से मुझे अभी ऑयल चेंज करने के लिए रुकना पड़ेगा, तो रॉयल एनफील्ड का शोरूम जो है वो यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पे एक हॉल्ट लेंगे एंड फिर आगे राइड कंटिन्यू, मतलब नॉन स्टॉप कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें चाह कर भी न चाहे, करे जो मन मानी है मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। तो जब मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ राइड पे आया था तभी मैं यही रूट से आया था, ये फर्स्ट टाइम मैं आया था तभी, एंड जब अभी मैं आया था मतलब गंगोत्री से, तो ये नीचे वाला रोड पकड़ के हम लोग ऊपर आए थे, तो अभी वापस यही रूट से जाऊंगा तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। अचानक से डालने का कोई गरज था क्या, सिग्नल देने के लिए होता नहीं है क्या? सिग्नल दिए डायरेक्ट उसने अंदर घुसा दिया, खाली 2 सेकंड के लिए बचाने तो आज मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी में होती थी। ये इधर के लोकल लोग जो है ना भाई, आपको भी बताना चाहता हूँ, लोकल लोग इतना रफ से ड्राइविंग करते हैं कि बाहर वालों को लोग टिकने नहीं देते, तो वो भी एक चीज़ आप ध्यान में रख देना। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग सोनप्रयाग आ चुके हैं, मतलब पहुँच गए। लास्ट टाइम यहाँ पे हमने बाइक पार्क किया था एंड वहाँ पे आपको ऊपर वाइट कलर का रूम दिख रहा है नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने स्टे वहीं पे किया था, तो चलो देखते हैं आज भी स्टे वहीं पे मिलता है कि नहीं, या फिर वापस नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है। एक बार देख लेते सबसे बात करते हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सोनप्रयाग में हम लोग रुके हुए हैं एंड हम लोग को लकीली जो एंट्री मतलब यहाँ से आगे टैक्सी चले जाते हैं और वहाँ से आगे फिर गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, तो हम लोग को यहीं पे रूम मिल गया एंड आप रूम देख सकते हो, एक ही रूम में हम पूरे 6 के 6 मेंबर्स रहने वाले, तो 3 लोग या 3 लोग वहाँ पे और एक नीचे शायद से मैट्रेस दे देगा। तो अभी फ़िलहाल फ्रेश होते हैं और बाइक का यहाँ पे पार्किंग नहीं है, वो जाके वो पार्किंग में गवर्नमेंट का ऑथराइज पार्किंग है तो वहाँ पे जाके पार्क करना पड़ेगा, तो चलो फ्रेश होते हैं एंड पटाख से सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह 2 बजे वापस ट्रैक चालू करने का है। अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो लोकल मार्केट घूम सकते हैं, घूमने चले जाएंगे, तो पहले जाके बाइक पार्क करके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये जब सब जेंट्स लोग सब लड़के लोग ट्रिप पर निकलते हैं तो सब ऐसा रूम में पसारा होता है, ऐसा होता है और यही दिखा देते हैं कोई आ गया तो बोलेगा ये सब क्या है, कोई आएगा नहीं, वो पहली बात अकेले अलग है ये सब कल का बंदा डेली हगने जाता है, स्टॉप हगने जाता है। सुन सुन एडिटिंग मेरे हाथ में है, क्यों बोला पता है क्या, तू मतलब डालेगा नहीं ना, मालूम है एडिटिंग मेरे हाथ में ना, एक सब कल की तैयारी चालू है, कल सुबह जो ट्रैक करने वाले हैं उसका सब पैकिंग अभी से करके रख रहे हैं। मैं 10 बार आ गया तेरे को, गरम पानी में घुस लो आत्मा जी। तो अभी हम लोग नीचे से नाश्ता करके आ चुके हैं एंड सब लोग सो चुके, 7:30 बज चुके, तू जगा है क्या, ये तीनों 1, 2, 3 अभी ऑन द वे है स्लीपिंग के, तो 10 मिनट में सो जाएंगे और मैं भी सो जाता हूँ। वो दोनों सो गए, वो तो वो अजय तो कब का सो गए, जब से हम लोग रूम में एंट्री किए फ्रेश होके वो सो गए, तो मैं भी अभी सो जाता हूँ क्योंकि कल सुबह ऑफिस 2 बजे ट्रैक चालू करने गए एंड आपसे सीधा कल ही मिलता हूँ। कल का दिन एक फन एंजॉयमेंट रहेगा, तो साथ में बने रहिए सीरियस में। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, हर हर महादेव, गुड नाइट।